अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद दिलावर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INS.Physics। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फ़जल से आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने चैप्टर नंबर 12 का जो लास्ट टॉपिक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसको डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम उसी चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1। द डायग्राम शोज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू टू चार्ज्ड पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स। फॉलोइंग डायग्राम हमें दो चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को दिखा रही है। वी कंक्लूड दैट, हम क्या रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं? ऑप्शन ए, अपर प्लेट इज़ पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट इज़ नेगेटिव। अगर अपर प्लेट पॉजिटिव होती, लोअर प्लेट नेगेटिव होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। इट मींस कि अपर प्लेट पॉजिटिव नहीं है, लोअर प्लेट नेगेटिव नहीं है। इट मींस कि ऑप्शन ए इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन बी, अ प्रोटॉन एट एक्स वुड एक्सपीरियंस द सेम फोर्स इफ़ इट वर प्लेस्ड एट वाई। अगर हम एक प्रोटॉन यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट एक्स के ऊपर प्लेस करते हैं या उसी प्रोटॉन को पॉइंट वाई के ऊपर प्लेस करते हैं, तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर प्लेस करने से प्रोटॉन के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्ट करती है। सो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। किस तरह से? देखिए कि हमारे पास जब भी दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स आती हैं, तो उन प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिस तरह से कैपेसिटर में होता है। यानी कि इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सेम है, इट मीन्स कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर जब इस चार्ज यानी कि प्रोटॉन को प्लेस करूँगा, तो उस प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स भी यूनिफॉर्म रहेगी। सो चाहे हम अपने प्रोटॉन को पॉइंट एक्स के ऊपर प्लेस करें, चाहे पॉइंट जी के ऊपर प्लेस करें, चाहे पॉइंट वाई के ऊपर प्लेस करें, हर पॉइंट के ऊपर हमारे प्रोटॉन के ऊपर एक्ट करने वाली जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म रहेगी, यानी कि एक जैसी रहेगी। रिमेनिंग ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। MCQs नंबर 2। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस बिकम्स हाफ, अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, तब उन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसके साथ क्या होगा, वो कितनी रह जाएगी? तो ये MCQs देखें किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। कूलम्स लॉ, एफ इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर, फोर्स बिटवीन चार्ज क्यू वन एंड क्यू टू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस इज आर। लेकिन अगर हम इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दें, तो हाफ कर दें यहाँ पर, अब हाफ करने से जो न्यू फोर्स आएगी उसे मैं एफ प्राइम का नाम दे रहा हूँ। सो एफ प्राइम इज़ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन, अब डिस्टेंस को आधा कर दिया, सो ये हमारे पास बन गया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर बाय टू का स्क्वेयर है, इसको ओपन करें तो आर स्क्वेयर ओवर फोर, या इसको मैं लिख सकता हूँ एफ प्राइम इज़ इक्वल टू फोर इन टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। अब ये जो सारा ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है, दैट इज़ द ओरिजिनल फोर्स बिटवीन क्यू वन एंड क्यू टू जब उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस आर था।
तो मैंने इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर है उसको फोर्थ से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि जैसे ही मैंने दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ किया तो जो न्यू फोर्स आई वो ओरिजिनल फोर्स से 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 3, द मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कम से कम चार्ज है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम से कम नहीं हो सकता। MCQs नंबर 4, एन आइसोलेटेड चार्ज्ड पॉइंट पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड ई एट अ पॉइंट 2 मीटर अवे। एक आइसोलेटेड चार्ज क्यू जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है कितने डिस्टेंस के ऊपर, 2 मीटर अवे एट अ पॉइंट पी, और कितने मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी ई मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। एट अ पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल, अगर हम इस पार्टिकल से किसी एक पॉइंट क्यू के ऊपर मूव कर जाएं और ये पॉइंट क्यू इस पार्टिकल से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर हो, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज, अब इस पॉइंट ई के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। तो एक तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ये है कि देखें, पहले डिस्टेंस हमारे पास था 2 मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई थी, अब डिस्टेंस हमने कर दिया हाफ, आधा कर दिया यानी कि 1 मीटर कर दिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू। अब देखें यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वेयर लॉ को फॉलो कर रही है, इसलिए डिस्टेंस को हाफ करने से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मैथमेटिकली हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, कितना डिस्टेंस था पहले 2 मीटर, जब आर को 2 मीटर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर, अब क्यू 0.1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, सो 1 का स्क्वेयर करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू इज इक्वल टू के क्यू। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो के क्यू है वो सारा किसकी इक्वल है, ई मल्टीप्लाइड बाय 4। तो अगर मैं इस के क्यू को इक्वेशन नंबर 1 से किसकी इक्वल पुट कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी मल्टीप्लाइड बाय 4, तो देखें क्या हुआ कि जब हमने 1 मीटर अवे मूव किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहली यानी कि जो ओरिजिनल थी उससे 4 गुना क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पज ऑफ मिलीकेन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वॉज टू डिटरमाइन, मिलीकेन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का पर्पज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 6, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दो चार्जेस हैं जिनको हमने किसी भी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया हुआ है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, अगर हम हर चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, द फोर्स विल बी कम, अब उन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी। सो बहुत इजी MCQs है, इसको समझने के लिए मैं कंसिडर करता हूँ कि ये मेरे पास दो चार्जेस हैं जिनको मैंने एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर प्लेस किया हुआ है, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2। अभी इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो कूलम रिपल्सिव फोर्स होगी दैट विल बी के Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर।
ओके, अब अगर इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को हम डबल कर दें, डबल करने के बाद जो न्यू फोर्स आएगी दैट इज़ एफ प्राइम, सो डबल कर दें जी, क्यू वन को डबल करके कर दें टू क्यू वन, क्यू टू को भी डबल कर दें टू क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, नाउ न्यू फोर्स इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाय टू फोर, एंड रिमेनिंग पार्ट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर, एंड दैट इज़ द ओरिजिनल फोर्स व्हेन चार्जेस वाज क्यू वन एंड क्यू टू, सो न्यू फोर्स आफ्टर डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज फोर टाइम्स टू द ओरिजिनल फोर्स। सो इसके ऑप्शंस देखते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, फोर टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। एमसीक्यूज नंबर 7, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एमसीक्यूज नंबर 8, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, इन ऑप्शंस में से इलेक्ट्रिक फील्ड किन को डिफ्लेक्ट कर सकती है, न्यूट्रॉन्स, गैमा रेज यानी कि फोटॉन्स, एक्स रेज, ये भी फोटॉन्स हैं, एक्स रेज एज कंपेयर टू गैमा रेज थोड़ी कम एनर्जी के फोटॉन्स हैं, गामा रेज जो हैं वो वेरी वेरी हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स भी पार्टिकल्स हैं फोटॉन्स भी पार्टिकल्स हैं, जिस तरह से न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसी तरह से फोटॉन्स भी चार्ज लेस पार्टिकल्स हैं, और अगर हम चार्ज लेस पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी उन चार्ज लेस पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट नहीं करती, सो हेयर ऑप्शन डी यानी कि नन इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 9, एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस, जब चार्ज रेस्ट के ऊपर होते हैं तो वो क्या पैदा करते हैं, सो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने इर्द गिर्द पैदा करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कब पैदा करेंगे, व्हेन चार्जेस मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कब पैदा करेंगे, व्हेन वी वाइब्रेट द चार्ज, व्हेन वी एक्सेलरेट द चार्ज, देन वो चार्जेस क्या करेंगे, एट अ सेम टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्रिएट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्रिएट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रिएट करेंगे, सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट देन द चार्जेस विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। एमसीक्यूज नंबर 10, इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन एयर, अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एयर में प्लेस करते हैं, देन द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट इज, देन उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज से जो फ्लक्स बाहर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सो कंसिडर कि मेरे पास ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इट मीन्स इस चार्ज के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का दैट इज़ 1 कूलम, और ये एयर के अंदर मौजूद है। अब अगर मैं देखूं तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड आएंगी, तो हमने इसी पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है, तो उस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो चार्ज एयर के अंदर प्लेस है उसी एयर के अंदर मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को ड्रा करता हूँ, और क्योंकि ये एक क्लोज्ड सरफेस है सो इस क्लोज्ड सरफेस में से पास होने वाले फ्लक्स को मैं गॉसियन लॉ को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, अब क्योंकि ये चार्ज मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनवर्स, सो दैट इज द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन एयर, सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 11, अ पॉइंट पार्टिकल विद चार्ज क्यू इज एट द सेंटर ऑफ अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, एक पॉइंट पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज क्यू है वो
पार्टिकल एक गॉसियन सरफेस के सेंटर में मौजूद है और उस गॉसियन सरफेस की शेप एक क्यूब जैसी है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक क्यूब है इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में वो पार्टिकल मौजूद है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, और क्योंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से भी क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड होंगी, पेज से बाहर भी आ रही हैं, पेज के अंदर भी एंटर हो रही हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ द क्यूब इज, इस क्यूब के किसी भी एक फेस, किसी भी एक साइड से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो कितना होगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्यूबिक गॉसियन सरफेस की छः जो हैं वो हमारे पास फेसेस हैं। छः फेसेस कैसे हैं? दो साइड्स पे, एक अपर, एक लोअर, एक फ्रंट और एक बैक। तो इस तरह से छः साइड्स हैं, छः सरफेस हैं, और हमने किसी एक सरफेस में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखें, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक चार्ज मौजूद है, सो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। अगर मैं इस पूरी की पूरी छः सरफेस में से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँ और बाद में एक सरफेस वाले फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। 5 1 इज द फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, सिमिलरली 5 6 इज द फ्लक्स थ्रू द लास्ट यानी कि 6 जो सरफेस है उसमें से पास होने वाला फ्लक्स है। अब इक्वेशन हमें पता है ई डॉट ए यानी कि ई ए कॉस थीटा, और अगर मैं हर सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर को ड्रा करूं तो हर सरफेस के ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारी उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। सो हर फेस के ऊपर जो एरिया वेक्टर है और हर फेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है वो दोनों पैरेलल हैं, दोनों में एंगल ज़ीरो है, तो कॉस ज़ीरो के ऊपर वन हो जाएगा। सो 5 1 इज़ ई ए, 5 2 इज़ ई ए, सिमिलरली सारे के सारे जो फ्लक्स हैं वो किस की इक्वल होंगे? ई ए के इक्वल होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लो सरफेस वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6 ई ए, और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 6 ई ए, और ई ए क्या है? ये भी फ्लक्स ही है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 6 फ्लक्स ई ए की जगह पर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6 फाई यानी कि जो छह सरफेस हैं उनमें से पास होने वाला फ्लक्स है, लेकिन हमने क्योंकि एक सरफेस में ही गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल 6 को इधर जाकर डिवाइड कर दें तो अब ये हमारे पास फ्लक्स आ गया किसी भी एक सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स। सो अब अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी के अंदर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट मौजूद है, इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, एमसीक्यूज़ नंबर 12। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सरफेस विल बी मैक्सिमम व्हेन, किसी सरफेस से के साथ लिंक करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कब ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कब मैक्सिमम होगा? सो कंसिडर करें कि ये मेरे पास एक सरफेस है, ये इसकी प्लेन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब अगर मैं इस सरफेस यानी कि प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एंगल देखूंगा तो वो एंगल कितना है? वो एंगल है 90 डिग्री। इट मींस कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगर तो एमसीक्यूज़ में वो ये पूछते कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ एरिया विल बी मैक्सिमम, तब हम क्या करते? फ्लक्स इक्वल्स ई डॉट ए, देन हम इसी सरफेस के ऊपर एक वेक्टर एरिया ड्रा करते, देन हम वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल देखते तो वो ज़ीरो है,
देन फ्लक्स हमारे पास क्या आता, मैक्सिमम आता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो सरफेस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं सरफेस यानी कि प्लेन ऑफ दिस एरिया, प्लेन ऑफ दिस शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एंगल देखूँ तो वो 90 डिग्री है। लेकिन अगर वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एंगल देखूँगा तो वो 0 डिग्री आएगा और हमारे पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। तो हमने एंगल यहाँ पर देखना है प्लेन यानी कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो वो हमारे पास है 90 डिग्री। द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब क्योंकि रेशियो ले रहे हैं तो परमिटिविटी का यूनिट दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, तो रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 14। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, फिजिकल इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। एमसीक्यूज नंबर 15। टू माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। दो माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स हैं जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो बताएं कि टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। यानी कि कुछ इस तरह से केस है कि फॉर एग्जांपल एक ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, एक ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, और इनको हमने इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी पैरेलल में कनेक्ट किया है। सो पैरेलल के लिए हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाला था C1+C2। सिंपल हमने क्या करना है, दोनों कैपेसिटेंस को ऐड कर देना है। सो जब दोनों कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे तो 2 माइक्रोफेरेड + 2 माइक्रोफेरेड ये हमारे पास आ जाएगी 4 माइक्रोफेरेड। सो हेयर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 16। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज़ चार्ज क्यू एंड स्टोर्स एनर्जी इज़ डब्ल्यू। एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस सी है और उसके ऊपर चार्ज क्यू है, वो कैपेसिटर अपने अंदर डब्ल्यू एनर्जी को स्टोर करवा रहा है। इफ़ द चार्ज इज़ इंक्रीज टू 2Q, अगर हम चार्ज को डबल कर दें, द स्टोर्स एनर्जी विल बी, तो न्यू एनर्जी कितनी होगी। सो देखें, एनर्जी इन अ कैपेसिटर, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है हमारे पास, दैट इज़ 1/2 CV² दैट इज़ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। लेकिन हम यहाँ पर डील कर रहे हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड चार्ज। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को कैपेसिटेंस और चार्ज की फॉर्म में लेकर आऊँगा। एनर्जी को क्योंकि हम W से शो करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर W लिख दूँगा। 1/2 कैपेसिटेंस तो पहले ही मौजूद है, और V, Q इक्वल सी वी, V की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, Q ओवर C। सो Q स्केयर ओवर C स्केयर, क्योंकि यहाँ पर स्केयर है। नाउ द एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 C × Q स्केयर। ओके, अब अगर हम चार्ज को डबल कर देते हैं, सो चार्ज को डबल किया 1/2 C × 2Q। चार्ज को डबल करने से क्या हुआ, न्यू एनर्जी जो आ रही है उसको मैं बोल रहा हूँ W प्राइम इज इक्वल टू 1/2 C × 4Q² 4 को अगर हम सेपरेट करें, तो 4 को सेपरेट करने के बाद रिमेनिंग पार्ट 1/2 C × Q² और ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है, ये हमारे पास ओरिजिनल एनर्जी थी जब चार्ज हमारे पास क्यू था। सो न्यू एनर्जी W प्राइम इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल एनर्जी W। सो चार्ज को डबल करने से एनर्जी 4 गुना पहले से इंक्रीज हो जाएगी। MCQs नंबर 17। दो सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ईच ऑफ 1 कूलम, दोनों चार्जेस 1 कूलम के हैं, प्लेस्ड इन एयर, उनको एयर में रखा गया है, 1 मीटर अपार्ट, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स, वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे।
तो इस क्वेश्चन को भी सिंपल हम कूलम्स लॉ से ही जो है वो सॉल्व करेंगे। सो कूलम्स लॉ की इक्वेशन एफ इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। सो एफ इक्वल्स के क्यू वन, वन कूलम का चार्ज है, क्यू टू ये भी वन कूलम का चार्ज है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है। सो एफ हमारे पास इक्वल आ गया 9 × 9 न्यूटन के। इट मीन्स कि इस टाइम जो दोनों चार्जेस के दरमियान कूलम रिपल्सिव फोर्स होगी वो इतनी होगी, कूलम्स कांस्टेंट के ही बराबर। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 18। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं डिस्टेंस आर के साथ साथ, वो हम किस ग्राफ से शो करवा सकते हैं। तो देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। सिंस वी एंड आर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सो जिस तरह से हम आर को बढ़ाते जाएंगे वी की जो वैल्यू है वो उसी तरह से डिक्रीज होती जाएगी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ग्राफ। ये ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हम बॉयल्स लॉ के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करते हैं व्हेन टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। एमसीक्यूज नंबर 19। अ कैपेसिटर सी हैज़ अ चार्ज क्यू, द एक्चुअल चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स आर। एक कैपेसिटर सी जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, उसी कैपेसिटर के ऊपर जो एक्चुअल चार्ज है वो कितना होगा। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज होता है, कॉमा दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस क्यू कूलम का चार्ज एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट नेगेटिव होती है। हाँ, अगर हमसे ये पूछते हैं कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज है वो कितना होगा, तो याद रखिएगा कि नेट चार्ज जो एक कैपेसिटर के ऊपर होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि अगर एक प्लेट के ऊपर 3 कूलम का चार्ज है, दूसरी प्लेट के ऊपर -3 कूलम का चार्ज है, तो नेट चार्ज जब हम निकालेंगे कैपेसिटर के ऊपर तो वो ज़ीरो आएगा। एमसीक्यूज नंबर 20। द डायग्राम शोज 4 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज। फॉलोइंग डायग्राम 4 कैपेसिटर्स दिखा रही है और चारों के चारों कैपेसिटर्स 6 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर्स हैं, तो बताएं पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी। तो देखें, ये जो 2 कैपेसिटर्स हैं ये दोनों किस में हैं, सीरीज़ में हैं। तो जब हम इन दोनों कैपेसिटर्स की टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 3 माइक्रोफेरेड। कैसे, सीरीज़ कैपेसिटेंस का फार्मूला, 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। सो 1/6 + 1/6 ये हमारे पास आ जाएगा 2/6। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। बिल्कुल इसी तरह से ये दोनों कैपेसिटर्स भी सीरीज़ में हैं, तो इनकी भी टोटल कैपेसिटेंस आएगी 3 माइक्रोफेरेड। अब ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं, और पैरेलल के लिए कैपेसिटेंस जब हम निकालते हैं तो डायरेक्ट हमने कैपेसिटेंस को ऐड करना होता है। सो 3 माइक्रोफेरेड + 3 माइक्रोफेरेड, नाउ द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 6 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद 20 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।